ग्रुप के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने एक फोन को अपने लैपटॉप के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो काफी इजी प्रोसेस है, मतलब आपको एक चाहिए लैपटॉप, एक चाहिए मोबाइल एप्पल का, अगर हमने एप्पल के साथ करना है तो एप्पल का, अदरवाइज हमने एंड्रॉइड का फोन लेना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल में जाना है, वहां पर आपने सर्च करना है ए पावर मिरर करके। यहाँ पर आपने यहाँ और यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा स्टार्टिंग में ही, इस पर क्लिक कर देना है। फ्री डाउनलोड है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर देखिए डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आपने डाउनलोड नाउ कर देना। डाउनलोड नाउ करने के बाद इसके बाद इसका जो है 1-2 MB की फाइल है, लेकिन जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना कुछ अपने डाउनलोड्स लेगा, वो यस कर देना आपने और इंस्टॉल कर देना आपने। तो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, बस आपने कुछ और नहीं करना है, इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं करनी है, बस नेक्स्ट करके करना है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने फोन में जो है जो गेम खेल सकते हैं, आप कुछ भी अपना स्क्रीन मिरर कर सकते हैं। काफी मतलब अच्छा फीचर है ये वाला, इजी प्रोसेस है, कोई आपको ये नहीं करना पड़ेगा, कोई हैक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल वे है ए पावर के थ्रू। और ऐसा ही सॉफ्टवेयर आपने अपने फोन में भी इंस्टॉल करना है, उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसका प्रोसेस पहले इंस्टॉल होने दीजिए। ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, जी हाँ अभी ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपने इसको करना है ओपन नाउ, कंटिन्यू टू ओपन नाउ करके आपका ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा। और फोन पर भी मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसेस। अभी हमने जाना है ऐप स्टोर में फोन पे इंस्टॉल करने के लिए, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैंने ए पावर करके ए पावर मिरर, और ये देखिए ऐसा आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पर इंस्टॉल करना है, फिर ओपन कर देना। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा स्क्रीन आ जाएगा, या तो आप सिंपली यहाँ पर जो है स्क्रीन मिरर पे क्लिक करोगे तो ये वाली ऑप्शन आ जाएगी, ATV वाली और ए पावर वाली। तो आपने ए पावर वाली को सिलेक्ट कर देना है। क्लियर करके करता हूँ। जैसे यहाँ पर एंड्रॉयड है, iOS है और TV है, तो हमने अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है। तो हमने फ़ोन पर हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन करना है iOS के, और स्क्रीन मिरर पे क्लिक कर देना। और ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, तो हमने यहाँ पर माउस से इसको सेलेक्ट कर देना iOS, और इसको हमने कनेक्ट कर देना। अभी ये कनेक्टिंग हो रहा है जी, अभी ये देखिए ये हो गया कनेक्ट हमारा उसके साथ। तो रिफ्रेश रेट भी बहुत कम है, मतलब कि कोई लैगिंग भी नहीं होगी इसके साथ। जैसे हमने अगर व्हाट्सएप भी खोला यहाँ पर, तो ये देखिए जो जो यहाँ पर चल रहा है वही वहाँ पर शो करता रहेगा। और हम यहाँ पर गेम भी खेल सकते हैं, कोई भी गेम चाहो आप, या मूवी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है पिक्चर्स है, यूट्यूब लगा लो आप चाहे। तो इसका जो साउंड है वो वहां पर जाएगा, कोई भी ऐप है या मूवीज है या वीडियोस, सब कुछ यहाँ पर। अगर हमने गेम भी खेलना है तो हमने जैसे पबजी गेम खेलना, तो हमने यहाँ पर स्क्रीन देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो गया। फुल स्क्रीन मोड भी है इसमें, हम फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। ये देखिए मतलब काफी अच्छे फीचर हैं इसमें। अभी हम प्ले करेंगे गेम, तो मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिकली वेयर हाउस लगाई हुई है, ये देखिए विदाउट एनी लैग, काफी मतलब अच्छा इसमें फीचर है। देखिए गेम मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ, लेकिन आवाज मेरी लैपटॉप पे आ रही है। ब्राइटनेस में बढ़ा देते हैं उसकी। टीम मैच, लेट्स गो। अभी फोन के कैमरे में यहाँ पर क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि आई थिंक मैं एंड्रॉइड से करूँ। Has scored for the first time.
और भी मतलब काफ़ी सारे यहाँ पर आप फीचर देख सकते हो। स्क्रिप करके मैंने यहाँ पर मेन स्क्रीन में आ गया, वीडियो है यहाँ पर, कुछ भी है। और ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कंट्रोल फ्रॉम पीसी, वाइट बोर्ड, सेल्फी भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह, फुल स्क्रीन मोड, और भी मतलब काफ़ी अच्छे फीचर हैं। मतलब मैसेज भी कर सकते हैं यहाँ पर किसी को टाइप करके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।